है स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा पैटीज। तो चलो रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले पैटी बनाने के लिए हम कीनवा यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें एक कप पानी ले लेना है। जैसे ही पानी में उबाल आता है तो उसमें हाफ कप कीनवा डाल देंगे। गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है और कीनवा को हमें 15 से 20 मिनट तक पकाना है। 15 मिनट हो चुकी है, कीनवा को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कीनवा अच्छे से कुक हो चुका है। अब हमें उसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 कप व्हाइट पीस यानी के वटाना को इंस्टेंट पॉट में नमक और हल्दी डालकर कुक कर लिया है। आगे अब कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल गरम होता है तो उसमें जीरा, लाल मिर्च, हींग, साथ ही में पिसी हुई हरी मिर्च और अदरक को डाल देंगे और उसे 1 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 कटा हुआ टमाटर और साथ ही में थोड़ा पानी डाल देंगे। आगे इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे। इसे तेल छूटने तक पकाएंगे, करीबन 2 से 3 मिनट तक। आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, तेल भी छूट चुका है। तब उसमें कुक्ड व्हाइट पीस डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही में 1 कप पानी डाल देंगे। मसाले में रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। रगड़े में 1 उबाल आने पर हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे और उसे 10 से 15 मिनट तक उबालेंगे। रगड़ा हमारा तैयार हो चुका है, तो लास्ट में इसमें ऊपर से कटा हुआ धनिया डाल देंगे। यहाँ पर हमारा रगड़ा तैयार हो चुका है, तो अब हम पैटीज बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पैटीज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 आलू को पहले से ही बॉईल कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 कप ब्लैक चिक पीस यानी कि काले चने को पहले से ही इंस्टेंट पॉट में कुक कर लिया है। इसे हम पोटैटो के अंदर डाल देंगे और चने को भी हमें पोटैटोस के साथ अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आप देख सकते हैं कि आलू और चने अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। आगे इसमें जो हमने कीनवा तैयार किया था इसे डाल देंगे, साथ ही में इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर और लास्ट में कटा हुआ धनिया डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब हम उसकी पैटी बना लेंगे। पैटी बनाने के लिए हमें हथेली में थोड़ा सा तेल लगा लेना है। मिक्सचर का हमें 1 बड़ा बोल बनाकर तैयार करना है और बोल को हमें हथेली में इस तरह से प्रेस करना है और हार्ट शेप का मोल्ड रखकर उसे हार्ट शेप दे देंगे। आप यहाँ पर कोई भी शेप का मोल्ड यूज कर सकते हैं। आप इसे सर्कल शेप में भी बना सकते हैं। इसी तरह से हमें सारी पैटीज को बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैंने सारी पैटीज तैयार कर ली है, तो अब उसे सेक लेते हैं। तो उसके लिए गरम नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गरम होता है तो उसमें बनाई हुई सारी पैटीज को रख देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे। अब पैटीज को हम पलट देंगे। दूसरी साइड भी हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से हमारी पैटीज अच्छी तरह से सिक चुकी है और ये तैयार हो चुकी है। तो आइए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक प्लेट में रगड़ा डालेंगे। रगड़े के ऊपर गर्मा गर्म पैटीज को रख देंगे। फिर से ऊपर से थोड़ा रगड़ा डालेंगे। आगे इसके ऊपर खट्टी मीठी खजूर और इमली की चटनी को डालेंगे।
साथ ही में स्पाइसी और टेंगी धनिया की चटनी को डालेंगे। ऊपर से कटा हुआ टमाटर और धनिया डालेंगे। इसे और चटपटी बनाने के लिए ऊपर से लाल मिर्च का पाउडर और चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। यहाँ पर हमारी स्ट्रीट स्टाइल चटपटी रगड़ा पेटिस तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप भी उसे जरूर से बनाइए और ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ। एंजॉय। बाय।